दोस्तों आपने इस तरह की वीडियो इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पर बहुत सारी जगह देखी होगी, लेकिन इनको बनाते किस तरीके से वही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसको बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी VN एप्लीकेशन की। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्ले स्टोर से भी आपको बहुत आसानी के साथ ये मिल जाएगा। इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। नीचे आपको प्लस वाला आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वीडियो और फोटो। तो यहाँ पर ये जो फोटो वाला ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से अपने वो फोटो ले लेने हैं जिनके ऊपर आप राइन ड्रॉप लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसमें हमने 10 फोटो ले लिए हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आकर के सेट हो जाएंगे। ओरिजिनल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको एक साइज़ देखने को मिलेगा 9x16, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो यही साइज़ यहाँ पर आकर के सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने जो फ़ोटो लिए हैं इन पर आपको क्लिक करके इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम कर देनी है। तो यहाँ से हम इसमें रखने वाले हैं 2-2 सेकंड के आसपास, कुछ इस तरीके से। आपको भी अच्छे तरीके से ये कम कर देनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी कम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये कम कर दी है। उसके बाद आपको एक प्लस वाला आइकन देखने को मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जूम 1 के नाम से, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जूम ऑन इफेक्ट इसमें लग चुका है। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई टू आल का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर ये सभी के सभी में अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको प्ले करके दिखा दूँ कुछ इस तरीके से। पहले तो ये इफेक्ट लग चुका है। उसके बाद आपको चले जाना होगा एफेक्ट्स वाले ऑप्शन में। जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिल जाएगा आपको ये वाला एक इफेक्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। और ये भी आपको अप्लाई टू आल पर क्लिक कर देना होगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर इसको मैं थोड़ा प्ले करके आपको दिखा दूँ कुछ इस तरीके से, इसमें यह भी इफेक्ट लग चुका है। अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा इस वाले आइकन पर। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको वीडियो फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ़ोटो वाला, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको ब्लैक शैडो देखने को मिल जाएगी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से बहुत आसानी के साथ आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास है ब्लैक शैडो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से सेट कर देंगे। उसके बाद इसकी लेंथ को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे जितना कि हमारे फ़ोटो है। यहाँ पर देख सकते हैं आखिर में आपको एक ब्लैक वाटर मार्क देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर नीचे इसके नीचे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से ये भी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से इसी वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से अब आपको फिर से वीडियो फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से देखने को मिल जाएगी एक इस तरीके से राइन ड्रॉप, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर ये आ चुकी है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर नीचे एक फिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस तरीके से फुल स्क्रीन में आ जाएगी। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये आकर के ये सेट हो जाएगी। उसके बाद आपको राइट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसको प्ले करके हम आपको दिखाए तो कुछ इस तरीके से इसमें इफेक्ट लग चुका है। उसके बाद आपको फिर से यहीं पर क्लिक कर देना होगा और इसमें एक लिरिक हम लेने वाले हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कोई दूसरी लेना तो यूट्यूब पर और भी बहुत सारी जगह सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारी मिल जाएगी, वहां से बहुत आसानी के साथ आप डाउनलोड करके कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लेने वाले हम यहाँ से ले लेते हैं एक, हम ये वाली ले लेते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास में। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, यहाँ पर इसको रखेंगे और यहाँ पर आपको फिर से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद आपको फिर से स्क्रीन कर देना होगा, उसके बाद राइट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और इसको प्ले करके देख लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये लग चुकी है। उसके बाद ये जो सबसे ऊपर की है इसी पर हम क्लिक करेंगे और नीचे ला करके इसको सेट कर देंगे। छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये बन के तैयार हो चुकी है। उसके बाद आपको ऊपर ये वाला आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ से इसके जो साइज़ है, यहाँ से खुद देख सकते हैं आप किस में इसको सेव करना चाहते हैं। उसके बाद ये जो राइट ऑप्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके जो मोबाइल की लाइब्रेरी है उसमें जा करके सेव हो जाएगी। दोस्तों बस इतना ही था आज की वीडियो में, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।